2021 में मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड ने एक नया पासिंग पैटर्न को जारी किया है। स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर ट्वेल्थ में इंटर में मेरा जो पासिंग मार्क्स है क्या मुझे थ्योरी में अलग से मार्क्स लाना है या ऑब्जेक्टिव में अलग से मार्क्स लाना है या प्रैक्टिकल में अलग से मार्क्स लाना है, पूरा डिटेल्स में बता दीजिए। पासिंग और फेल होने का पैटर्न को बता दीजिए। मैट्रिक में कितना नंबर लाने पर छात्र पास होते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ट्वेल्थ का इस बार एग्जाम दिए हैं तो आपको बता दें, अगर आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, तो अगर आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपका थ्योरी 70 नंबर का हुआ होगा और आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ होगा। तो थ्योरी में आपका 70 नंबर और इसका 30% कितना हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका 30% कितना हो गया 70 का, 21 नंबर। कहने का मतलब है कि अगर आप थ्योरी में 21 नंबर लाते हैं तो आप पास रहिएगा। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, पूरा आपको रिजल्ट में भी इसको दिखाएंगे। 21 नंबर अगर आपका थ्योरी में है तो आप पास हैं। क्यों ना आपका केवल ऑब्जेक्टिव में ही अगर 21 नंबर आ जाता है, सब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग में कुछ नहीं लिखे हैं, फिर भी आपका सब्जेक्टिव में 70 में कितना हुआ, 21, क्योंकि 21 तो आपका ऑब्जेक्टिव सही है, तो आप पास रहिएगा। और प्रैक्टिकल में आपका 40% देखा जाता है, मतलब 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है तो उसमें 40% देखा जाता है, मतलब 12 मार्क्स, मतलब प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स। तो थ्योरी में आपका 21 प्लस प्रैक्टिकल में 12 कितना हो गया, 33 नंबर। 100 में 33 नंबर रहेगा तो आप पास रहिएगा। लेकिन कौन सब्जेक्ट में, तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें आपका 100 में 33 नंबर रहना चाहिए, प्रैक्टिकल में 12 नंबर, और थ्योरी में आपका रहना चाहिए 21 नंबर। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव में ही रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में ही अगर आपका मान लीजिए 21 नंबर आ गया और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखे नहीं है, डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर, डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर भी आपका 70 में कितना हुआ, 21 है, तो आप पास है। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बनाए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका 21 नंबर आ गया और ऑब्जेक्टिव में कुछ नंबर नहीं है, फिर भी आपका 21 नंबर हो गया 70 में थ्योरी में, तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मैथ होता है, इंग्लिश होता है, ये में प्रैक्टिकल ये सब सब्जेक्ट में नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका 30% देखा जाएगा, 30% ऑफ 100 कितना होता है, 30, तो 30 मार्क्स रहेगा तो आप पास रहिएगा। वही आपका मैट्रिक में जो भी 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें प्रैक्टिकल हो या प्रैक्टिकल नहीं हो, 30% ऑफ 100 देखा जाता है, मतलब कितना होता है, 30/100 × 100 कट जाएगा तो 30 बचा, तो 30 नंबर, तो 30 नंबर रहेगा मैट्रिक में पर सब्जेक्ट, तो आप पास रहिएगा। तो आप समझ गए हैं, अगर आपका इंटर में प्रैक्टिकल है तो आपका 100 में 33 नंबर रहना चाहिए, थ्योरी में 21 नंबर और प्रैक्टिकल में 12 नंबर। अगर आपका ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल नहीं है तो 100 में 30 नंबर लाने पर आप पास हो जाइएगा। वही मैट्रिक में आपका 100 में 30 नंबर रहना चाहिए, चाहे प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो या बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो। अब देखिए, चलिए आपको रिजल्ट पर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इंटर का रिजल्ट है। क्या का रिजल्ट है, ये इंटर का रिजल्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका, इनका फिजिक्स में 33 नंबर है पासिंग मार्क्स, और इनका देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी में इनका 11/9 20 नंबर है। तो ये फेल है, लेकिन एक नंबर ग्रेस मार्क्स देके यहाँ पर इसको पास किया गया है। जबकि देखा जाए तो अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता फिर भी इनका 46 नंबर रहता, लेकिन फिर भी फेल थे, क्योंकि थ्योरी में इनका 20 नंबर था। और अभी हम आपको बता दिए, थ्योरी में आपका रहना चाहिए 21 नंबर। और अभी आपको हम बता दिए हैं कि थ्योरी में आपका रहना चाहिए 21 नंबर और इनका 20 नंबर था, तो एक नंबर ग्रेस देके पास किया गया है। तो थ्योरी में आपका अलग से 21 नंबर रहना चाहिए प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में, और प्रैक्टिकल में 12 नंबर, मिला के आपका 33 नंबर। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे देखिए इनका मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, तो 30 नंबर ये पास है,
30 नंबर लाएंगे तो ये पास हो जाएंगे। देखिए इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं है तो 30 नंबर लाने पर ये पास हो गए हैं, ठीक है समझ गए। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल है तो 33 नंबर लाना है, थ्योरी में अलग से 21 नंबर, प्रैक्टिकल में अलग से 12 नंबर। थ्योरी में अगर आपका ऑब्जेक्टिव 21 सही है, सब्जेक्टिव नहीं बनाए हैं फिर भी आपका 70 में 21 हो गया तो आप पास हैं। थ्योरी में अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हैं, सब्जेक्टिव केवल बनाए हैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 21 आ गया फिर भी आप पास माने जाएंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इनका ज्योग्राफी में, इनका देखिए ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है 33 नंबर लाना है, अलग से इनको थ्योरी में 21 नंबर लाना है, प्रैक्टिकल में 12 नंबर, मिला के आपका 33 नंबर। लेकिन साइकोलॉजी में देखिए प्रैक्टिकल है तो 33 नंबर लाना है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं है तो देखिए 30 नंबर लाना है। ये था इंटर का देख लीजिए रिजल्ट। अब देखिए मैट्रिक का देखिए, मैट्रिक में आपका जो भी सब्जेक्ट है हिंदी संस्कृत मैथ साइंस सोशल साइंस, आपका पासिंग मार्क्स सब में 30-30 नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा। आई होप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम जय भारत। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोनपे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के। विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया।